हेलो दोस्तों, डिजिटल माइंड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में जो भी हमारे पास डाटा होगा इंग्लिश में, उसको हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हम आज देखेंगे एमएस वर्ड में। ना ही हमें इस डाटा को कॉपी करके गूगल पे लेके जाके ट्रांसलेट करना है, और ना ही हम कोई दूसरी मेथड करेंगे। हम एमएस वर्ड में रहकर ही इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास जो भी डाटा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट होता है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जहां भी हमारा कर्सर है, उस सारे पेज का यदि हमें डाटा को सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। हमने कंट्रोल ए करे, सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में हम मेन्यू बार में एक ऑप्शन होता है रिव्यू, ये रिव्यू है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी जो सब मेन्यू है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसलेट का। जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, ट्रांसलेट सेलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स। तो हम जो सेकंड ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद में हमें इंग्लिश टू हिंदी करना है, या फिर हमारे पास और भी लैंग्वेज है, हमें उर्दू, गुजराती, जर्मन, कश्मीरी और भी जितने भी गूगल ट्रांसलेट के अंदर लैंग्वेज होती है, सारे की सारी लैंग्वेज में हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने हिंदी ही सेलेक्ट करे हैं। ऑलवेज ट्रांसलेट टू दिस लैंग्वेज, यदि मैं टिक कर देता हूं तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में ही ट्रांसलेट कर लेगा। लेकिन हमारे पास कभी ये भी होता है कि हमारे पास एमएस वर्ड में हिंदी में डाटा होगा तो हम फिर इसको ऑटो चेक नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। ऑटो डिटेक्ट है, जो लैंग्वेज है उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। ऐसे ही हम गुजराती लिखेंगे तो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा, उर्दू लिखूंगे तो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे ऊपर वो छोड़ेगा कि हमें हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, किस में करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो विद इन अ सेकेंड ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हिंदी में हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप से हमारा जो भी डाटा था इंग्लिश में पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो गया है वन क्लिक पे। ये हमारे पास कितना भी डाटा रहता है विद इन सेकेंड में ये कन्वर्ट कर देता है। जो भी लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है विद इन सेकेंड में सारा डाटा कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।